तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। आज डे 16 है शायद से। अब मैं थक चुका हूँ दोस्तों बहुत ज़्यादा ये रोज़ रोज़ का ब्लॉग कर करके, बट हमको लगे रहना पड़ेगा, यही लाइफ है, चेंज के साथ खेल रहे हैं। दोस्तों कल तो हमारा फ़ोन ठीक हो नहीं पाया, आज हम दोबारा ट्राई करेंगे, अब देखो आज क्या होता आज है। भी पूरी उम्मीद है कटने की। उम्मीद तो देखो हमेशा रहती है, तो आज भी हम जाएंगे, देखो ट्रेड करने के बाद जाते हैं। और हमारे साथ कनाडा से उज्जवल कुमार जुड़े हुए हैं, उनसे आपकी बात कराएंगे। स्वागत है, इतना प्यार से बोलता है। भाई मैं इसको कह रहा हूँ कि मैं ये जब ये भी चाय पीता है तो मैं इसको कह रहा हूँ भाई मैं यहाँ से माइक में चाय डालता हूँ, तू वहाँ से स्पीकर से चूस ले। सही नहीं कह रहा भाई? भाई सही है, बट भाई ये हो नहीं सकता ना भाई। अगर अच्छे मन सच्चे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कनाडा से उज्जवल कुमार। तालिया, ये देखिए मैं ये ऐसे बैठा है जैसे भाई अभी इसे वो उड़ानी है वैसे की फ्लाइट, इतना तैयार होके। ये देखो ये रात को नाता धोता है, इसको यहाँ दिखाऊंगा, बड़ी स्क्रीन पे देखिए इसे। यही है वो शख्स। उज्जवल हम कनाडा से ट्रेड कर रहे हैं, हमारा रूम कैसा लग रहा है? जो कनाडा से कर रहा है ट्रेड है। अभिषेक का रूम तो बहुत ही यही लग रहा है, पता नहीं कहाँ पे ग्रीन वगैरह भाई देखो हमारा रूम, देखो हमारा रूम देखो, मैंने कल ही भाई मैंने कल ही रेनोवेट कराया है, कल ही रेनोवेट कराया ऑफिस है। चेंज कर लिया। मैंने भाई कल ही पैसे लगाए कि उज्जवल से बात करनी है भाई, अच्छा थोड़ी लगता है, उसके तो मुकाबला होना चाहिए। कल ही रेनोवेट कराया मैंने। अरे वो तो ग्लिच है कमरे में, थोड़ा मैंने AI लगवाई है। ये मैं मार्केट में भी जा सकता हूँ यहाँ से। अरे सामान वामान ले लें यहाँ से भाई मैं मार्केट में पहुँच गया, किसी को भाई कोई ब्लॉग किसी को सामान चाहिए भाई दोस्तों बता देना, मैं ले आऊँगा। ये हैवी ड्राइवर है हमारे साथ। देखो दोस्तों ये होते हैं ट्रेडर, हम सीरियस हैं, छोड़ के भाग गया बताऊँ, और छुप के देख रहा था अभी ये हम क्या कर रहे हैं। ऐसे तो ये हमारे दिग्गज पूर्वज आदमी है। देखो छुप के देख रहा है, छुप के देख रहा है वैसे क्या। भाग निकल यहाँ से, बंद कर से, इतना हरामी है। देखो फोकस कर भाई इस पे। दोस्तों देखो मैजिक दिखाता हूँ, मैजिक। अभी देखो मेरे से कुछ नहीं लगा हुआ, अब देखो इसको देखो। ये देखो ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहा है इसका। क्या है भाई, खा देगा उतार दे से। ये देखो भाई ट्रेड ना लेने के फायदे। A few moments later. तो भाई दोस्तों अपन निकल गए भैया का फ़ोन ठीक कराने। अब ट्रेड जो एक मिला था कुछ ज़्यादा अच्छा चला नहीं, बट प्रॉफिट ही हुआ है उसमें भी, तो इसलिए हम निकल गए कि ये काम ज़रूरी है भाई। भीड़ मिल गई भैंस की आँख। तो भाई चलते हैं, आज देखते हैं भैया का फ़ोन हो पाता है नहीं हो पाता। भाई बड़ा स्कैम है भाई, हर चीज़ में स्कैम है। मैंने एक चीज़ देख लिया, आम लोगों को कैसे पागल बनाया जाता है बताऊँगा मैं यहाँ से निकल के। अभी वेट करना है, मैं फिर मिलेगा टोक। तो भाई हो सकता है हम ना फ़ोन चेंज कर लें यहाँ पर। किसी के पास ना ये 1 Plus 12 हो तो बताना यार कैसा है। भाई इतनी वेटिंग है यहाँ तो बस क्या ही बताऊँ, तो हम बाहर ही आ गए, अभी देखते हैं बहुत, बताऊँगा गाड़ी में अच्छे से क्या हुआ। भाई अंदर तो बहुत भीड़ है, पहले उसने 10-15 मिनट बोली चलो हमने वेट कर लिया, फिर और 10-15 मिनट बोली, फिर अभी वेट कर रहे हैं, अब देखो आगे क्या होता है। और भाई अगर इस बार उसने चेंज नहीं कराया, कुछ आनाकानी करी अब, तो भैया फुल तैयार है। भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, बट तो लड़की ने गलत बोल दिया। हाँ एक लड़की ने बीच में कुछ अपनी टिप्पणी देने की कोशिश करी, मैंने उसकी टिप्पणी
नहीं देती वैसे तो। हाँ पर देखते हैं अब क्या होता है यार, इंडिया में ना ये सब चीज़ बहुत मैनेज नहीं होती अच्छे से, बड़ी दिक्कत है जी, सारी चीज़ें में दिक्कत होगी। चलो भाई घर जा रहे हैं, बहुत ही नाइंसाफी के साथ अभी अपन वापसी जा रहे हैं घर, क्योंकि अब सीन क्या हो गया कि इन्होंने टोकन देने के बाद हमें बोला कि डाटा बैकअप करना पड़ेगा क्योंकि सारा डाटा हट जाएगा। अब भाई यहाँ कहाँ डाटा ट्रांसफ़र करें, ये घंटे पहले बताए थे टोकन देने से पहले कि सर डाटा ट्रांसफ़र कर लो इतने आप, तो हम देख भी लेते, और उसके बाद भी सारा डाटा भाई ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा इतनी देर में, तो हमें कल दोबारा आना पड़ेगा टोकन लेके। भाई बड़ी भसड़ ज़िंदगी में यार, बहुत भसड़ है। मतलब इंडिया में अगर कोई काम करना है ना तुम्हें, मतलब सीएट इफेक्ट हो गया या कुछ और, तो भाई बहुत दिक्कतें हैं यार। मतलब लोग, एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं है सही से, लोगों को पता नहीं होता, बहुत से लोगों को तो ऐसे ही मना कर देते हैं कि अभी टोकन नहीं मिल रहा, जाओ 2 घंटे बाद आना। भाई 2 घंटे बाद कहाँ इंतज़ार करेगा बंदा, तो चला ही जाता है फिर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो ना ठीक से नहीं होती इंडिया में, मैंने देख लिया है बहुत। और जिसको नॉलेज नहीं है उसका तो भाई, मतलब उसको तो इतना फ़ायदा, उसका इतना काटा जाता है बस, कहीं बताएं। तो भाई अपन को फिर से भूख लग गई आज, भूख तो पहले से लग रही थी भैया को भी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो आज फिर से सत्यनिकेतन में रोल पे लेंगे करता हूँ, सत्यनिकेतन में फिर से आज रोल खाएंगे, उसके बाद जिम भी जाना है भाई। आज तो मैं सो नहीं पाऊँगा बिल्कुल भी, फिर कल भी आना है हमें। अब लग रहा है कि हमारा रूटीन बन जाएगा 3-4 दिन का आना जाना। कल तो जब आया जाएगा ना, जब डाटा तो ट्रांसफर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कल तक हो जाएगा। A few moments later. भाई क्या बंदे आमने सामने गाड़ी लगा देते हैं भाई, बंदे फंसे रहे, पीछे वाले फंसे रहे, कोई लेना देना ही नहीं है भाई, अलग ही है भाई यहाँ पे भाई, कुछ नहीं हो सकता। मतलब आप किसी को बोल भी नहीं सकते भाई, बोलते ही लड़ाई है। अपन जिम चलते हैं अब, आज मैं थोड़ा लेट हो गया बिकॉज़ हम वहाँ से बहुत लेट आए, पता हमें काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि यार वहाँ पे क्या बताऊँ मैं, पहले हम गए कह रहे सर टोकन मिलेगा 2 घंटे बाद आना, मैंने कहा भाई 2 घंटे बाद कैसे आ सकते हैं भाई, ये काम थोड़ी है कि 2 घंटे बाद यहाँ आए फिर वहाँ जाएँ, यही करते रहेगा बंदा। कल भी आए थे, आज तुम कह रहे 2 घंटे बाद आओ, मैं भाई 2 घंटे का टाइम नहीं है, अभी टोकन दे उसके बाद कितनी देर वेट करवा। फिर भाई उसने टोकन देने के लिए 10-15 मिनट बोला, फिर हम गए, फिर उसने 10-15 मिनट बोला, मैंने कहा चलो ठीक है भाई कोई नहीं तुम कर लो अपनी। फिर भाई टोकन लेते टाइम बोल रहे कि डाटा सर डाटा निकाल लो, अरे भाई अब कहाँ से डाटा निकालें, 1 घंटा वेट कराने के बाद तू अब कह रहा डाटा निकाल ले। फिर भाई हम डाटा हमारा कैसे ट्रांसफ़र करते इतना सारा, अब भाई स्क्रीन रिप्लेसमेंट होती है तो डाटा तो वहीं रहता है, पता नहीं इनका क्या अलग चल रहा है। तो फिर भाई हम वापस ही आ गए, अब कल दोबारा जाएंगे भाई, ये स्कैम चल रहा है हम लोगों के साथ। अरे भाई रेड लाइट हो गई रे, रोकनी तो पड़ेगी भाई, रोकनी तो पड़ेगी। आज का व्लॉग डालने में भी मैं लेट हो गया एडिट करने में, एडिट नहीं मतलब मेरे को थंबनेल एडिट करना था तो उसके लिए लेट हो गया। कोई नहीं भाई, कभी कभार हो जाती है भसड़, कुछ नहीं कर सकते उसका अपन। ये गाना बड़ा सही लगता है मेरे को, 14। बस यार भीड़ हो जाएगी अब जिम में क्योंकि लेट हो गए, अब सारे ऑफिस वाले इसी टाइम आते हैं भाई, बड़ी भीड़ होती है भाई इस टाइम तो, ये लेट आना पाप है भाई, जल्दी आओ गर्मी से मर जाओ, लेट आओ ट्रैफिक से मर जाओ, दुनिया लग रहा है इसी के बीच में घूमती रहेगी मेरी। तो भाई आज जिम में लेग्स करते हैं, लेग्स ही कर लूँगा ऐसे मैं सोच रहा था, शोल्डर करूँ बट विल डू लेग्स डिसाइडेड। भाई लेग्स की तो एक्सरसाइज करी पर बिल्कुल मन नहीं कर रहा लेग्स करने का, तो मैंने कार्डियो करा थोड़ी देर, अब मेरा मन नहीं हो रहा तो मैं देखो, अब ये मत समझना कि मन नहीं करता तो नहीं करता है वर्कआउट, भाई नहीं कर रहा मन नहीं कर रहा भाई, छोड़ो कुछ और करो जिसमें मन करे, कभी कभार होता है मन नहीं करता पुश करो, बट अननेसेसरी भी पुश नहीं करना, चेंज करो चीज़ को, चेंज करो मन लगाओ अगले दिन आओ करो, क्योंकि जब तक मन नहीं करेगा अच्छे से नहीं होगा। चलो भाई मैं तो आ गया जिम से बाहर, वैसे भी लेट हो गया था, 11 प्लस के चक्कर में थक गए हम तो, अब कल फिर जाना है, पता नहीं कब रिजॉल्व होगा ये।
मैं आ गया था भैया के पास, अब हम बैठे हुए छत पे, क्योंकि घर पे आंटी ने प्याज काट दी भाई, मेरे इतने आंसू आ गए, मैं परेशान हो गया, फिर मैं बाहर ही आ गया। वैसे बाहर ज़्यादा अच्छा है, ठंडा ठंडा लग रहा है। ये मिश्रा शिवम, एक नंबर मौसम हो रहा है बाहर, अंदर ज़्यादा गर्मी है। फ्लैश के साथ रिकॉर्डिंग करना, आग में लगती है भाई, पर करना पड़ता है भाई, किसके लिए कर रहा हूँ मैं। सारे यूट्यूबर गाड़ी ले रहे हैं, हम बाइक पे घूम रहे हैं, अच्छी बात है, बट बड़ी बाइक चाहिए। एक बात सुन लो इनकी ज़रा जना, अभी कह रहे हैं भाई प्लेन में, अभी इनके घर के ऊपर से ना प्लेन जाते हैं काफ़ी सारे, मतलब काफ़ी सारे मतलब लैंड होते हैं, यहीं से जाते हैं, तो कह रहे हैं भाई प्लेन में भी अगर मोटिफिकेशन होती तो करोल बाग में प्लेन खड़े होते भाई, अलंजर पलंजर निकल रहे होते, एग्जॉस्ट इसमें ये वाला एग्जॉस्ट लगाओ, गुरसेवा का एग्जॉस्ट लगाओ, इनमें 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 भाई क्या एग्जॉस्ट लगेगा, इतना तेज वैसी आवाज है भाई। कितने सीसी का इंजन होता है एयरप्लेन का? भाई है ना भाई, ये चेक करना चाहिए भाई, कितने बताता हूँ भाई, चेक करे तो सीसी तो इसमें दिखा रहा है 1000 से 5000, बट हॉर्स पावर 1 लाख कितना, 75,000, 1,75,000 भाई साहब, ट्रिपल बोइंग 777 बाइक में लगा दिया ना इंजन ने, 1 सेकंड में लद्दाख। और यार एक चीज़ मेरे को भी पता चली, मतलब दीपक भी आए हुए थे घर पे, तो उनका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है, तो भाई उसके 1000 रुपये दो, मतलब भाई सरकारी काम भी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव, मतलब गरीब आदमी जो होगा वो कैसे करेगा भाई ये, तो भाई मेरा, और पता नहीं शिवम भैया बता रहे थे, पता नहीं कितना 600 करोड़ या 6 करोड़ कुछ बोल रहे थे वो, उतने का इससे गवर्नमेंट को प्रॉफिट हुआ है। मैं कहा भाई यार मतलब किस हद तक भाई क्या चल रहा है भाई, ये तो सरकारी काम है भाई, और बंदा लेट हो गया तो उसका क्या भाई, मतलब वो करा लेगा अपने आप भाई, इसमें 1000 रुपये तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है भाई, भाई 100 रुपये कर लो, 200 कर लो, 200 भी ज़्यादा है, मतलब 100 भाई मैक्स होना चाहिए, पता नहीं भाई क्या ही सीन है। मतलब मेरे को तो ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आई भाई, अब वो दीपक भैया यार बताओ 1000 रुपये दे के वो कराएंगे, मतलब मेरा भी होता, मेरे को भी दुख होता भाई, 1000 रुपये मैं ये लिंक कराने के दे रहा हूँ बताओ। तो भाई चलो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में। अब कल हम जाएंगे शायद से वन प्लस दोबारा, अब देखते हैं भाई भैया का वहाँ पे काम होता है नहीं होता, तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के सारे मजे करो, खुश रहो और इट लाइफ को एंजॉय करो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो।